हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, यूएन चीफ ग्यूटेरेस मीट्स नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचंड। तो ये है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और ये यूएन चीफ है, ये इनसे मिलने आए हैं, देखते हैं क्या है। और वो देखने से पहले हमें पता होना चाहिए नेपाल है किधर। तो चलिए, ये हमारा हो गया प्यारा भारत, ठीक है, ये है अपना प्यारा भारत। और उसके बाद देखिए, ये नॉर्थ में यहाँ पे आपका नेपाल हो जा रहा है। अब नेपाल तो हमने देख लिया, पर हमें जानना चाहिए नेपाल कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आप देखिए, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, ठीक है। ऊपर में आप देखिए, यहाँ पे तिब्बत, चाइना, यहाँ पे आपका ऊपर में नेपाल हो गया। यहाँ पे आप देखिए सिक्किम, सिक्किम हो गया आपके ईस्ट में। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है। सिक्किम तो इतना है और वेस्ट बंगाल यहाँ तक ऐसे आ रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल। तो ये आप देखिए साउथ ईस्ट में आपके वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। इधर में आप देखिए बिहार से नीचे में साउथ में, बिहार से कैपिटल पटना, और बिल्कुल साउथ में आप देखिए यूपी से कैपिटल लखनऊ, इधर में आप देखिए उत्तराखंड से कैपिटल देहरादून। तो ये तो हमारे नेपाल की लोकेशन होगी, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हम लोग देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 आप देखिए इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, और इंटरनेशनली ये चाइना से और इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से नहीं करता है और कहीं नहीं करता है। एक और चीज़, ये लैंडलॉक कंट्री है, हम लोग इससे डायरेक्ट ओशन में नहीं जा सकते। या तो हमें इंडिया के थ्रू जाएंगे, या तो इंडिया बांग्लादेश के थ्रू जाएंगे, या तो चाइना के थ्रू बिल्कुल लंबा रूट पड़ जाएगा, या चाइना से म्यांमार होकर जाएंगे, या इधर में आप देखिए इंडिया से पाकिस्तान होकर जाएंगे। हम इससे डायरेक्ट यहाँ पर ओशन में नहीं जा सकते, इसलिए ये आपकी लैंडलॉक कंट्री हो जाती है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन। अब चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ऑन संडे कॉल द नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंड आफ्टर अराइविंग हेयर ऑन द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू हिमालयन नेशन। मिस्टर ग्यूटेरेस ऑल्सो हेल्ड सेपरेट मीटिंग विद द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर डिफेंस पूर्ण बहादुर कडका एंड फॉरेन मिनिस्टर नारायण प्रकाश सौद इन द पोस्ट ऑन एक्स, दैट इज आपका ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर। नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड अ मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन प्रचंड एंड मिस्टर ग्यूटेरेस, हु इज हेयर ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू नेपाल एट अ फ्रेंडली इन्विटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इन्होंने इन्वाइट किया है फ्रेंडली, कि आओ भाई थोड़ा घूम फिर लो, तो वही चल रहा है। मिस्टर ग्यूटेरेस सेड दैट द ट्रांजिशनल जस्टिस प्रोसेस इन नेपाल दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंक्लूड मस्ट हेल्प ब्रिंग पीस एंड पीस टू विक्टिम्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे पीस लाने की बात हो रही है। एड्रेसिंग द मीडिया आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रचंड द यूएन चीफ प्लेड द वर्ल्ड बॉडी सपोर्ट टू नेपाल टू डेवलप अ प्रोसेस दैट मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग एंड द नीड्स ऑफ विक्टिम एंड टू पुट इन टू प्रैक्टिस माई रिपब्लिका, न्यूज पेपर रिपोर्टेड। वल्नरेबल कंट्रीज कौन सी है। इन अ ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग विद प्राइम मिनिस्टर प्रचंड द यूएन चीफ अर्ज डेवलप कंट्रीज टू इंक्रीज सपोर्ट टू कंट्रीज लाइक नेपाल दैट आर हार्ड हिट बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने बोला है कि भाई नेपाल को हेल्प प्रोवाइड करे डेवलप्ड कंट्रीज। नेपाल इज ऑल्सो कॉट इन अ ब्लिजर्ड ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, नॉट ऑफ मेकिंग द आफ्टर मैथ ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, इन्फ्लेशन एंड द इनॉर्मस थ्रेट पोस्ट बाय क्लाइमेट केओस। तो बोल रहे कि भाई उसके बाद इनका COVID-19 के बाद क्लाइमेट के वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ पहले हमें इनको हेल्प करो ताकि ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट ना हो, खराब ना हो, ख़त्म ना हो, ऐसी श्रीलंका जैसी इशू ना आ जाए, सिविल वॉर्स ना आ जाए, इनको मतलब सपोर्ट किया जाए। क्योंकि अगर इनके पास प्रॉब्लम होगी तो वो छोटी मोटी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये छोटे नेशन से तो उससे कोप अप शायद कर भी ना पाए। ही सेड दैट मच मोर इंटरनेशनल एक्शन इज नीडेड, द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट स्टेप अप टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प डेवलपिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग नेपाल टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस, ही एडेड। मिस्टर ग्यूटेरेस अराइव्ड हियर इन द वी आर ऑफ द संडे ऑन अ फोर्थ डे ऑफिशियल विजिट। द यूएन चीफ इज अकम्पेन्ड बाय अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशन जीन पीरी,
लेकोरिक्स रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू नेपाल हना सिंह। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने देख लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए एक बार देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमने नेपाल का लोकेशन देख लिया, सबसे पहले नेपाल है किधर। ठीक है, लोकेशन देखने के बाद हमने देख लिया कि यहाँ पे यूएन के जो चीफ थे उनको इनवाइट किया गया था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड ने, और वो यहाँ पे आए थे फ्रेंडली मिलने। इन्होंने साफ बोला है कि नेपाल जो है हार्ड हिट हुआ है किससे, आप देखिए COVID-19 के मैच से, और उसके बाद से यहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जा रही है, और भी वेरियस प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे में इनको इंटरनेशनल सपोर्ट किया जाए। ये और हार्ड हिट किससे हुआ है, क्लाइमेट चेंज से। तो बस यही इन्होंने बताया, और जैसा मैंने लोकेशन बताया नेपाल आपसे कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर करता है, आप देखिए इधर में उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, अरे हाँ बिहार से, आप देखिए इधर में वेस्ट बंगाल से, ठीक है यहाँ पे सिक्किम से, ऊपर में चाइना से, तिब्बत से, और लैंड लॉक कंट्री है ये हमने देख लिया है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।